वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब जरा स्किन के मसाइल और आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू कराने वाले हैं। मैंने आते ही दोनों मेहमान जब आए मैंने कहा मैं आज आप दोनों की लड़ाई कराने वाली हूँ। अब मैं लड़ने तो नहीं दूंगी लेकिन आज ना हमारे पास बड़े ज़बरदस्त से दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं और डॉक्टर अली काजमी जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं जो स्किन के ट्रीटमेंट्स होते हैं हर्बल तरीका कार कितने उसमें हम कंपैरिजन को लेकर चलेंगे कि और जो डॉक्टर क्या ऑब्वियसली जो एक चीज़ है डिजीज़ है उसको किस तरह से क्योर किया जाता है हर्बल तरीके से आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं ये तमाम डिस्कशन की हम अपने दोनों मेहमानों को वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तैयार हैं आप दोनों? मैं ऐसे जैसे मैं शुरू होने लगी पूरा बना दिया माहौल बना दिया इंतजाम किया हुआ है पूरा। अच्छा डॉक्टर अली हम हर्बल तरीका कार को और डर्मेटोलॉजिस्ट को कंपेयर करें आपके नज़दीक ये दोनों जो ट्रीटमेंट्स हैं दोनों तरीका कार हैं किस तरह के? इस तरह देखें कि एक हमारे आबाओ अजदाद या उनसे भी पुराना अगर हम करें कि जो टोटका हर्बल या फिर आप टोटके घर में इस्तेमाल किए जाते हैं तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ऐसे तरीके जो घर में इस्तेमाल किए जाते थे या अब भी हैं हमारे बुज़ुर्ग लोग अब भी वो वाले करते हैं तो यूजुअली उस पर हमने जब रिसर्च भी की तो टू बी ऑनेस्ट मैं घरेलू टोटकों की बात करूँगा कि वो सही उनमें बहुत हद तक एक फ़ायदा होता है। सही, जी हाँ, क्योंकि उसमें वो कोई केमिकल्स नहीं डालते घर में कोई आपके एसिड्स कोई ऐसी चीज़ें नहीं डालते कि जो स्किन को डैमेज करें। जी हाँ, तो घर के टोटकों में फॉर एग्जांपल कहीं कोई अंडा दही तेल लगा लिया या कोई पेस्ट लगा लिया एकदम तो हुआ इफेक्टिव ये वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इन पर थोड़ी सी तहकीक की कि भाई रीज़न क्या चीज़ें करती हैं तो उनका कोई ना कोई रीज़न होता है उसके पीछे। पुराने ज़मानों में नैपी रैशेस बच्चों के होते थे तो खाली तेल लगा देते थे आप ये देखें तो इसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके पीछे ये एक मिथ है जिनके पीछे कोई रीज़न ज़रूर है और ये बेटरमेंट की तरफ उसको ला सकती हैं। मगर यहीं से एक चीज़ मैं बताऊंगा कि देखें एक चीज़ एक डिज़ीज़ है आप उसको रोक सकते हैं वक्ती तौर पे कोई चीज़ ऐसी हर्ब या कोई चीज़ लगा के कोई टोटका करके कोई मुल्तानी मट्टी लगा ली या जो भी आप लोगों ने किया मगर अल्टीमेटली आपको उस डिज़ीज़ की तरफ जाना है कि जो अब वो क्योर नहीं होगा अब नहीं होगा जो भी अभी अभी आगे हम डिज़ीज़ भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर तो आपका मैं इसको गलत भी नहीं कहता मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आप इन चीज़ों में जा सकते हैं मगर अल्टीमेटली जब चीज़ें आपको नजर आ रही हैं वर्स्ट की तरफ जा रही हैं एग्जैक्टली आपको तब तो कोई डिजीज है प्रॉपर है एक्नी है कील है आपने वक्ती तौर पे तो जो अपना घरेलू टोटके किए उसके लिए मगर अल्टीमेटली तो आपको डिजीज की तरफ जाना है क्योंकि उसमें जब हम डेप्थ में पढ़ते हैं इन चीज़ों को कोई भी डिजीज स्किन की ले लें तो उसको नीचे स्किन की तहों तक पढ़ा जाता है कि कहाँ से उठ रही है और कहाँ जा रही है हमें वहाँ रोकना होता है कि जो उसकी रूट कॉज है। तो इनके साथ प्रॉब्ली आई थिंक के हर्ब्स एंड टोटकों के साथ आप वो चीज़ रोक नहीं सकते तो आपको कुछ ना कुछ उससे आगे बढ़ना है तो वक्ती तौर पे तो आप उसको रोकेंगे तो इस तरह की चीज़ करके या घरेलू चीज़ करके मगर अल्टीमेटली तो आपको उस पर जाना है। पर घरेलू टोटकों में भी एक ऐसा टोटका है जो हमेशा मैं कहता हूँ प्लीज कोई ना करे और वो हर लड़की करती है क्या? वो हमेशा हम डिस्कस भी करते हैं अपने वो टोटका नहीं है बल्कि वो समझ लें कि वो जो गलत है तीन चार दवाइयों का मिक्सचर करके वो तो लगाना केमिकल्स का एग्जैक्टली कोई डॉक्टर या हर्बलिस्ट भी आपको रिकमेंड नहीं करता वो नहीं मगर एज ए टोटका है जो हर लड़की ने वो आप लोग खुद से कर लेना हर एक ने अपने पास एक कहानी बनाई हुई तीन चार क्रीमें लगाए गोरे होते हैं। डॉक्टर फैसल आपकी जानिब आएंगे जैसे डॉक्टर अली काजमी का यही सवाल मैं आपके लिए सॉरी आज मेरा गला थोड़ा सा इरिटेटेड है। अच्छा बात यह है कि उनकी बात एक हद तक ठीक है लेकिन जब हम क्लिनिक पे बात करते हैं क्लिनिक पे ऑब्वियसली हम टोटका नहीं बताते हम डिज़ीज़ की ही बात करते हैं और डिज़ीज़ को ही क्योर करते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में मुझे माशाल्लाह 19 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हैं तो स्किन के स्पेशली मैं स्किन के स्पेशली बात करूँ कि जैसे एक्जिमा है एक्नी है ब्लेमिशेज हैं इन चीज़ों का जितना अच्छा ट्रीटमेंट सेफ ट्रीटमेंट हर्बल में या होम्योपैथिक में है एलोपैथिक तरीका इलाज में नहीं है सही। उसमें वो सप्रेस्ड हो जाती हैं चीज़ें और बाद में फिर दोबारा निकलती हैं तो ना उनको मैं निगेट करूँगा ना अपने आप को करूँगा बात ये होती है कि किसको कहाँ से क्या फ़ायदा मिलता है। अच्छा कुछ चीज़ें सूट करने की भी तो बात एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि किसको कहाँ से क्या फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास अब भी हैं जो बोटॉक्स करा चुके या लेज़र करा चुके या और ट्रीटमेंट्स करा चुके अल्टीमेटली फिर वो हमारे पास आते हैं उस चीज़ को मज़ीद बेहतर करने के क्योंकि कुछ लोगों की स्किन पीलिंग के बाद इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि उनको कोई और चीज़ सूट नहीं करती
वहाँ पे फिर रेस्क्यू क्या करता है, मदर नेचर. सही सही. ठीक है, तो फिर हम उस पीलिंग के इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम उन चीज़ों को प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं. मतलब किसी ने बोटॉक्स कराया लिफ्ट के लिए, तो हमारी बहुत सारी ऐसी क्रीम्स, बहुत सारी ऐसी जेल्स हैं, नाइट ऑयल्स हैं, जिसको अगर आप लगाते रहें तो आपने बोटॉक्स का असर जो 4 महीने रहना है तो वो 6 महीने रह सकते. सही. तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेकर चलना चाहिए. अच्छा, बहुत सारी ऐसी स्किन की डिजीजेज हैं या प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर अली जो हमें नॉर्मली फेस करनी पड़ती हैं. अपने आप भी आप हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं. अब जो ऐसी चीज़ अब मैं डॉक्टर फैसल से भी जानना चाहूँगी कि हर्बल ट्रीटमेंट्स में क्या आप लोग भी डर्मेटोलॉजिस्ट को रिकमेंड करते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट भी उन डिजीज को क्योर प्रॉपर करके तो फिर कह देते हैं कि अगर आप इसको कोई और मजीद, अब ये प्रॉपरली क्योर है, आप इसमें कुछ और चाहते हैं? नहीं, इस तरह के देखें, जिस तरह अभी उन्होंने बोटॉक्स का भी जिक्र किया, इसी को मैं लेके आगे ज़रा चलूँगा. बोटॉक्स अब क्या चीज़ है? ये एक इंजेक्शन होता है जो रिंकल्स को ख़त्म करता है फेस के ऊपर से. एक उसका टाइम पीरियड होता है जिसके लिए बोटॉक्स, उसका जो केमिकल, खैर बहुत डिटेल्स में तो मैं जा ही नहीं सकता, टाइम इतना हमारे पास नहीं है, कि जितनी देर तक वो केमिकल का इफेक्ट रहता है वहाँ पर. फॉर एग्जांपल आइज़ के अराउंड जब मैं बोटॉक्स करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये मैक्सिमम 3 से 4 महीने चलेगा. फेस पे अगर रिंकल्स हैं तो 4 से 5 महीने चलेगा मैक्सिमम, ये उसका टाइम पीरियड होता है. तो ये ज़रूर है कि उसको आप आगे फर्दर अपनी हैबिट्स को ठीक करें, आप उसमें कुछ ऐसी लोकल एप्लीकेशंस करें, आप हाइड्रेट करें स्किन को. जिसमें उनका भी मकसद यही था कि हाइड्रेशन ऑफ द स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस ये कि आपकी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे, बालों पे असरअंदाज होती है. तो हमारे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं तो हम पूरी हिस्ट्री लेके उसको डाइट प्लान भी साथ देते हैं, उसका जो बैड लाइफस्टाइल है उसको चेंज करते हैं. इवन उसका जो लाइफस्टाइल है ना, ये बिल्कुल ही बड़ा इम्पोर्टेंट. हाँ, ये वही बात आ गई ना, कि वही चीज़, बिल्कुल वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें. आपके लाइफस्टाइल, खाना पीना, सोना जागना, आपका स्ट्रेस. अब आप देखें बच्चों को जब स्ट्रेस होता है, जब एग्जामिनेशंस करीब होते हैं, अब देखें उनके एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाती है चेहरे पे, तो ये स्ट्रेस के साथ ये चीज़ें आती हैं. फिर खाने पीने के साथ अगर बहुत बच्चे ऑयली फूड ले रहे हैं या मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उनके आपको एक सारी चीज़ें कलेक्ट करके साथ लेके जानी है. मगर एंड ऑफ द डे पे मेरा हमेशा एक चीज़ होती है कि आप जो हम जब पढ़ते हैं इन चीज़ों को, नेचुरली उन्होंने भी अपनी इसमें पढ़ा होगा, डिटेल्स पढ़ते होंगे, मगर हमें बताया गया है कि रूट कॉज जो है हर चीज़ का, अगर एक बीमारी उठ रही है तो नीचे से उसका रूट कॉज ढूंढें, तो रूट कॉज ढूंढ के उसको हिट करें. जैसे हम हेयर फॉल की बात करें, स्किन की बात करें, हमें पता है हमारी डाइट नहीं अच्छी. एग्जैक्टली, बिल्कुल. डाइट के साथ साथ और चीजें भी आती हैं, खाली डाइट नहीं होता, बहुत चीजें उसमें आती हैं. तो अगर तो आप उसके रूट को, फॉर एग्जाम्पल हम एक्ने को ले लेते हैं, कील महा से पिम्पल्स को जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो अब लास्ट भी हमने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि एक्ने का अब एक ट्रीटमेंट आ गया है कि जो परमानेंट है, अबाउट यू कैन से 80-90% वो उसकी एक कॉज को जाके ख़त्म कर देती है. जो जड़ है एक्ने की, जो ग्लैंड है जहाँ से एक्ने उठती है, वो दवाई जाके उस ग्लैंड को बिल्कुल निचोड़ देती है, ख़त्म कर देती है. अब वहाँ से वो नहीं आगे फर्दर होता. तो ये सिर्फ एक एलोपैथिक के अंदर ही ये चीज़ पॉसिबल है कि जो आप इतनी डेप्थ में पढ़ते हैं कि कहाँ जाके उस दवाई ने इफेक्ट करना है. तो इसलिए हम, टू मी आई थिंक कि फाइनली हर चीज़ में एलोपैथिक में आके, क्योंकि बहुत डिटेल्स एंड डेप्थ के अंदर हमने नेचुरली इन चीज़ों को पढ़ा होता है, और बाकी उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होती हैं, जिस तरह कोई भी आप उसको स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए कोई भी चीज़ें साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं. बिल्कुल, एक्जिमाज हैं, चंबल किसी को निकली हुई है पैरों पे, हाथों पे, आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है कि वो आगे ना हो दोबारा चीज़. हाँ, मतलब उस चीज़ को वही कंट्रोल किया जाए. हमारे से कॉल है जी हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम. मैडम आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ हुमैरा, आप बताएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है. मैं डॉक्टर फैसल साहब से 2 सवाल पूछना चाह रही हूँ. जरूर. एक तो मैडम ये डॉक्टर साहब तो कहें कि ये बता दें कि मेरा जो निचला होंठ है ना, वो गर्मी हो या सर्दी हो, हर वक्त मतलब उस पर फ्लेक व्हाइट कलर की आ जाते हैं, फटे रहते हैं, खून नहीं निकलता, वैसे फटे रहते हैं सफेद, और नीचे का सिर्फ फटता है. और दूसरा मैडम ये कि चेहरे पे साथ साथ ना व्हाइट फंगस भी हो जाता है हल्का हल्का, ये अक्टूबर नवम्बर के महीने में. और दूसरा ये जो हजामा होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर के करवा सकते हैं, इसका कोई नुकसान तो नहीं है? ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया डॉक्टर से. देखिए इनकी जो भी मैखल स्किन का डिजीज है, उन्होंने खुद बता दिया कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. तो बेहतर ये कि एक दफ़े ये अपनी अगर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह इनके वो लेके कंसल्ट करें. फंगल इन्फेक्शन हो गए या होंठ का फटना जो उनसे, इसकी टिप तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं बार बार कि हम जब तक रूट कॉज ख़त्म नहीं करेंगे
तो ये कहीं ना कहीं रिकर होती रहेगी, बार बार आती रहेगी, तो उस तरह से फिर इनको फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर ये लाहौर में है तो बेहतर है कि डॉक्टर साहब के पास, मेरे पास, जिसके पास आना चाहते हैं जरूर आए, एक दफा कंसल्ट करें, उसके बाद उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। जब तक कोई एग्जामिन नहीं करेगा तब तक डॉक्टर भी इस तरह की चीजें बतानी जरा मुश्किल हो जाती है। हजामा क्या? हजामा जो है वो ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल करवा सकते हैं और बल्कि उनके लिए फायदा मंद होता है। हजामा के असल में पॉइंट्स हैं, आप किसी अच्छे हजामा एक्सपर्ट के पास जाएंगे और वो सही पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको कर देता है तो उसका कोई नुकसान नहीं। प्लस ये कि उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो स्टरलाइज्ड हैं, डिस्पोजेबल हैं, तो उसका कोई हर्ज नहीं है बल्कि उसका फायदा है। मगर मैं बताऊंगा कि स्किन की डिजीजेज में यूजुअली हमने बहुत लोग करा के आते हैं हमारे पास ना, हमें तो वहाँ से पता चलता है, तो कभी इफेक्ट नहीं आया हजामा का? नहीं, वो बात कर रही थी हाई ब्लड प्रेशर। हाँ नहीं नहीं, उसमें ठीक है, मगर मैं वैसे बता रहा हूँ कि स्किन में हजामा लोग कहते हैं ना जी करा लें, किसी एक्जिमा है, फंगस है, एक्नी और भी चीज़ें, सोराइसिस वगैरह, तो यूजुअली हमारे लोग करा के आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो हजामा करा आए हैं तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। कॉलर लेते हैं, रिमशा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रिमशा क्या कहना चाहेंगी? मेरी स्किन में ना, मेरी गर्दन है ना, इसमें बहुत ज्यादा येलो येलो किस्म के बहुत ज्यादा वो निशान है, तो ये जाते ही नहीं। कोई कहता है खून की कमी की वजह से है, कोई कहता है कैल्शियम की कमी की वजह से आपने दूध पीना छोड़ दिया, तब बहुत येलो येलो से बहुत ज्यादा। गर्दन के ऊपर है? अभी गर्दन के ऊपर है और फैल रहे हैं ना, कमर में भी जाए तो मुझे डर है ये ना मेरी स्किन के ऊपर भी हो जाए, तो इस वजह से पर ये फैलते ही जा रहे हैं। दो बार मैंने इलाज करवाया पर नहीं ठीक हो रहे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग रिमशा। अब दोनों से बारी बारी हम पूछ रहे हैं। जिस तरह येलो कह रही है ना, तो यूजुअली ये फंगस की तरफ जा सकता है, जिस तरह का वो बता रही है। एक्जिमा और फंगस दो चीजें हैं कि जो इस तरीके पे आती हैं जैसे वो बता रही हैं। अब तो खैर नेचुरली हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किस किस्म का है, कि कब से हो रहा है, क्या वो उस लेजन का सर्कल कैसा बन रहा है अकॉर्डिंगली। ये तो नेचुरली देखने के बाद फाइनल डायग्नोसिस होगा फंगस है कि एक्जिमा है। याद रखें दो अलग चीजें हैं, लोग इसको एक लेते हैं। फंगस कहते हैं चंबल को, सॉरी एक्जिमा कहते हैं चंबल को, फंगस कहते हैं धदरी को या उरली को, बिल्कुल सेपरेट दो ट्रीटमेंट्स हैं इनके, याद रखें। अगर आपने फंगस या उसका चंबल का ट्रीटमेंट उधर कर दिया तो वो बढ़ जाएगी, उसका उधर कर दिया वो बढ़ जाएगी। बड़ा केयरफुल है, बहुत केयरफुल, और वो डायग्नोज करने के बाद पता चलता है एग्जैक्टली रिंग किस तरह का है, कहाँ से फैल रहा है। जब तक आप मेरे ख्याल से दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल इन चीजों के ऊपर टिप्स देनी बड़ी मुश्किल, बड़ी रिस्की हो जाती है। अच्छा डॉक्टर, आपको जो समझ आई डॉक्टर फैसल उसमें, बिल्कुल मैं इसी बात पे कहूंगा, अगर वो चाहती हैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, मेडिसिन अपनी लेती रहिए वहाँ पे जहाँ से भी इलाज करवा रही हैं उनसे पूछ के, और उसके साथ वो ये कर सकती हैं कि ये पिंडी में रहती हैं तो वहाँ पे इस्लामाबाद में सफ़ेदे के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, सफ़ेदे के पत्ते ले लें, नीम के पत्ते ले लें, और इनको अच्छी तरह बॉयल करके इसका डिकॉक्शन बना लें, मतलब जोशांदा बना, उस जोशांदे से जो उनसे जो नहाने के बाद आखिरी एक दो मग्गे हैं पानी के वो इसके डाल लें, तो एंटी फंगल है, एंटी इन्फेक्शन है, तो इनको उससे बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया डॉक्टर फैसल, हम उस तरफ चलते हैं। आपके पास आज कोई टिप्स भी है हमारे लिए तो उनको जरा जी, दो फेस पैक्स हैं वो बताता हूँ। लवली, चलें आज जी हम जा रहे हैं जरा उस तरफ पोडियम की जानेब, मैं और डॉक्टर फैसल, साथ साथ डॉक्टर अली काजमी भी हमें बताते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर अली काजमी, कुछ ऐसी नेचुरल चीजें भी होती है जिनसे आप डाइट में कहने कंजम्पशन के लिए कहते हो या वैसे कहते हो? हाँ नहीं, उसमें मैं तीन चीजें हमेशा बता के जाता हूँ जिसमें डाइट के अंदर, अगर मैं कहूँ जी तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है दूध का इस्तेमाल, ठीक है, कोई छोटा नहीं, बच्चों के लिए नहीं कह रहा, एवरीबडी सुबह शाम अगर आप दो कप दूध के पी लें तो दैट्स द बेस्ट थिंग। और सेकंड उसके अंदर मैं कहूंगा जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, दे आर वेरी गुड, ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी गुड, और फाइनली फ्रूट्स, रॉ फ्रूट, सारी नेचुरल चीजें, सारी नेचुरल चीजें, और इसको कंज्यूम करें, अपनी इसमें अपने हैबिट्स में डालें इन चीजों को, ये चीजें हैं कि जो बेस्ट हैं। और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज एक्सरसाइज, मस्ट करनी है, मस्ट एक्सरसाइज, ये बेहतरीन हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी का सिस्टम सारा सेट हो जाएगा, लवली, ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, बढ़ती है, तो इसलिए वो बहुत, ये तीन चीजें विद एक्सरसाइज में कहता हूँ कर लें, आपको कोई डायबिटीज की जरूरत नहीं है किसी आपको डायबिटीज यहाँ पे। अच्छा जी अभी फ्रूट्स की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से फ्रूट्स तो यहाँ पर भी है, उस फेस पैक के लिए क्या डॉक्टर फैसल बताने वाले हैं? केला एक लिए, केला है, ठीक है, हाफ केला ले लीजिए एज पर स्किन, उसको मैश कर लिया, उसको अच्छी तरह मैश कर लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा इसमें दो तरह से हो सकता है, बेहतर होता है कि आप, अब यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको छिलके समेत कर लें, इसको अच्छी तरह धोके, अच्छा, बहुत अच्छी तरह से इसको धोके छिलके के साथ, छिलके के साथ कर लीजिए, और कोशिश कीजिए केला थोड़ा सा पुराना हो,
पुराना, मतलब थोड़ा सा गला वाला जो केले हम फेंकने लगते हैं, थोड़े नरम वाले केले को इससे इस्तेमाल में कर लीजिए। इसमें हमने लिया है केला, हमने बिल्कुल इसको मैश कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी, ये है हमारे पास तीन चीज़ें इसमें मैंने पीस कर रखी हुई। इसमें है हुस्न यूसुफ, गोंद का तीरा, गोंद का तीरा हुस्न यूसुफ, और तीसरी चीज है इसमें आम सादी चीनी, चीनी, ठीक है। तीनों चीजों का पाउडर, तीनों चीजों को हम वजन लेके इसको पीस के बारीक रखेंगे, ठीक है। हुस्न यूसुफ, गोंद का तीरा और चीनी, और ये तीनों चीजें आपने करके बनाना जो केला मैश किया है उसके अंदर, उसमें अब ये देखिए इस शक्ल का हो जाएगा, ठीक है। इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये सारी चीजें यकजान हो जाए। जब ये हो जाएगा तो आप इसको इंस्टेंट फेस लिफ्ट के तौर पर यूज कर दें। अच्छा, गोंद का तीरा जो उनसा है वो आपकी स्किन को टाइटनिंग कर देता है, ठीक है। तो इसको आप 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ दें, उसके बाद चेहरा धो लें तो तकरीबन 2-3 घंटे के लिए आपके चेहरे को थोड़ा टेम्पररी लिफ्ट दे देगा, ठीक हो गया। एक तो ये हो गया हमारे पास, सही हो गया। अच्छा, दूसरा जो उनसा है इसी से मिलता जुलता ही है, उसमें हमने लेंगे ये जो एक रेडीमेड उपटन मिलता है, उपटन, ठीक है, वो ले लीजिए किसी भी अच्छी कंपनी का। सही, ये खास तौर से उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके चेहरे पे थोड़े से दाग धब्बे हैं, निशान है या थोड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्शन डल हुआ है, ये उनके लिए बेहतरीन चीज़। इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। अच्छा, अब ये है अंगूर, अब यहाँ पे सहूलत नहीं है थोड़ी ऐसी, तो इसका अंगूर का आपने ब्लेंडर में रस निकाल लेना है, या इसको थोड़ा सा कुचल के आप इसका रस निकाल लेना, तो जो इसका रस निकलेगा वो आपने इसमें डाल के पेस्ट बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर कहें तो इसको चेक करा भी सकते हैं, ये इस तरह से हो गया, ये देखिए ये इस तरह से इसका रस निकला, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से 8-10 अंगूरों का रस निकाल लीजिए और उसको आप इसमें मिक्स कर दीजिए। अंगूर जो उनसे है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें बल्कि जो उनसे ये सीड है, जब हम इसको इसके साथ पीस लेते हैं तो डॉक्टर साहब को भी यकीनन सेकंड करेंगे कि ग्रेप सीड ऑयल जो उनसे इस वक्त स्किन में कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैं भी जिसने सुन भी रहा था ना, तो बड़ी अच्छी आपने बात कही कि ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल ये वक्ती तौर पे बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, पर गलत बात लोग वो करके जाते हैं जो कहते हैं कि बस ये लगन परमानेंट ही हो गया आपका, तो मुंह ही लिफ्ट हो गया। इसको आपने इंस्टेंट यूज के लिए यूज करना है, टेम्पररी यूज के लिए करना है, और जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं वो अपनी अगर आपको कहीं लग रहा हो कि आपने कहीं जाना है तो आपका फेस लिफ्ट की जरूरत है, तो अभी आप डॉक्टर अली काजमी के पास जाने के मूड में नहीं है तो आप घर पर ही अभी कर सकते हैं ट्राई, क्योंकि वैसे वाकई इफेक्टिव होती हैं चीजें। इवन अंडा दही जैसे डॉक्टर बी अली काजमी ने कहा कि आप घर पर वो फेस अच्छा, और कोई भी चीज नहीं है ना आपके पास घर में, इनमें से कोई चीज नहीं है। अंडा तकरीबन हर घर में हर वक्त मौजूद होता है। अंडे की एक सफेदी लीजिए, उसको खूब अच्छी तरह बीट कीजिए कि वो झाग बन जाए, उसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखिए और उसको अपर डायरेक्शन में लगा लीजिए जहाँ जहाँ पे आपकी लाइंस हैं। अच्छा, 20 मिनट के बाद आप चेहरे को सादे पानी से धो लें और कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के अपना मेकअप कर लें तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि पहले का और बाद। मुझे याद आया, मेरा एक सेम मुझे किसी ने कहा, मेरी डबल चिन का ना मुझे शुरू में बड़ा होता था कि मेरी डबल चिन है, मुझे कहा आप किसी ना एग वाइट लगाएं उससे आपकी स्किन खिंचेगी तो आपकी डबल चिन कम होगी, और मैंने शुक्र है ट्राई नहीं किया। क्या करना चाहिए था? नहीं, उसके लिए बहुत और चीजें ना, पता नहीं कौन कौन। अच्छा, ये भी तो बड़ा मसला है हमारे यहाँ, हम लोग ना एक दूसरे की बातें सुन सुन के ना लगाते रहते हैं। देखिए अर्मिला, इस वक्त मामला क्या बना के है कि शेफ जो उनसे हैं वो भी टिप्स दे रहे हैं, वो भी हर्बलिस्ट बने हुए हैं, जो ब्यूटिशियंस हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट बनी हुई हैं, वो अपने क्लिनिक्स पे वो बातें बता रही होती हैं जो हम लोग भी सुन के हैरान हो रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही आने लगा था, जो देखें अब आपने चार चीजें लगाई हैं, मलाई हैं, और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, नेचुरल चीजें, बिल्कुल हम तो खुद कहते हैं नेचुरली आप जो चाहें लगाएं, आप ग्लिसरीन, अर्के गुलाब, कोई भी चीज फेस पे बॉडी पे आप लगाएं, आगे मॉइस्चराइजर ऐसे चलेगा। मगर जो ब्यूटिशियंस हैं जब वो जाके ऐड करते हैं केमिकल्स इस चीज के लिए कि जी आपके फेशियल्स कर रहे हैं और एलर्जिक रिएक्शन आते हैं, वो खतरनाक बात हो जाती है। मैं आपको एक बताऊं, बड़े अच्छे डिफेंस के पार्लर में मैं गया तो कटिंग कराने गया, उनके हाथों में सर्फ की स्मेल आ रही थी। मैं कहा क्या आज कपड़े शपड़े धोए? उन्होंने कहा नहीं, फेशियल करके आया हूँ। मैंने कहा सर्फ का फेशियल? कहते कि वो चीज़ें ख़त्म हुई भी थी तो मैंने थोड़ा सा सर्फ घोला उसमें अर्के गुलाब में, उससे फेशियल करके आ रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि मैं किसी एक अच्छे पार्लर की बात कर रहा हूँ, किसी गली मोहल्ले के पार्लर की बात नहीं कर रहा,
उन्होंने कहा कि बस वो कर करा के चेहरा साफ ही करना था, डॉक्टर साहब कर दिया चेहरा सर्फ। आप अक्सर अपने मुंह पे सर्फ लगवाती हैं, मैं आपको नहीं अक्सर तो उसमें बड़ा खुश होते हैं क्योंकि शाम को मरीज हमारे पास आए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली काजमी। मैं तो चाह रही थी कि वो लड़ाई शड़ाई होती लेकिन ना दोनों एक ही फेस पर आके आराम से जो कहते हैं ना तहमुल के साथ बातें एक दूसरे की मान के जा रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों का ये फायदा एग्जैक्टली ये बहुत फायदा है जनाब। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और साथ में हम आपसे इजाजत लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का इन्फॉर्मेटिव शो आपके काम आया होगा, हमने इतनी मजेदार बातें की हैं, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।